Yes, ma'am. Good morning, class. मैं अनिता मैम, क्लास सेकेंड. हंसनी आपको सेकेंड की हिंदी पढ़ाऊंगी. ओके, फर्स्ट चैप्टर है प्रार्थना. हिंदी की जो मोस्टली बुक्स होती है उनमें सब में फर्स्ट चैप्टर प्रार्थना ही होती है. वैसे भी अपन लोग जब स्कूल जाते हैं तो अपन प्रार्थना प्रेयर करके ही अपना दिन का स्टार्ट करते हैं ना, तो वैसे भी हिंदी में प्रार्थना है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं. गुपचुप देता देने वाला नहीं एहसान जताता है. यहाँ पे भगवान को बच्चे हैं जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने जो गुपचुप दिया है इसका एहसान आप नहीं जताते हैं. सचमुच सच्चा पिता वही है, वही हमारी माता है. सच मायने में जो ऊपर वाले भगवान हैं जो आपको दिखते नहीं है, वही हमारे माता है, पिता है. वैसे भी अपने मम्मी पापा हैं जो अपने आप केयर करते हैं. हाँ, मम्मी खाना बनाती है, पापा बाहर जाते हैं, कमा के लेके आते हैं, तो वो थोड़ी कहते हैं कि हम आप हमारे बच्चे हो इसलिए हमारे हम आपके लिए कर रहे हैं. वो चुपचाप करते हैं. तो जो ऊपर वाले भगवान हैं वो भी हमारे लिए चुपचाप कर रहे हैं, वो कभी भी एहसान नहीं जताते हैं. उसने दी यह कंचन काया, शक्ति बुद्धि भाव कल्पना. ये जो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा है, भगवान है, इन्होंने अपने को कंचन काया दी है. कंचन, वैसे कंचन का मतलब होता है सोना, और काया मतलब आपकी जो बॉडी है, शरीर है वो. तो उसने दी यह कंचन काया, ये जो भगवान है, ये जो ऊपर वाला जो परम पिता है, परमात्मा है, इन्होंने अपने को कंचन काया दी है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है. शक्ति का मतलब है कि आप कोई काम करते हो, एनर्जी हो गई, बुद्धि हो गई, तो माइंड हो गया, सोचने की क्षमता हो गई, भाव हो गए, अपने में हंसना रोना, इमोशंस और कल्पना यानी सोचना, ये सब अपन को ऊपर वाले परमात्मा भगवान जो नहीं दिखता है, सबका भगवान है, उन्होंने दी है. दिन भर क्रियाशील रह सके, अपन पूरा दिन क्रियाशील, क्रियाशील का मतलब होता है एनर्जी, अपने में एनर्जी होती है ना, वो रह सके. सो जाते तो देता सपना, अपन सोते हैं तो रात को सपना आता है, तो वो सब कौन करता है, ऊपर वाले भगवान. संगी साथी मित्र और बंधु सब उसके वरदान है. संगी जो अपने दोस्त हैं, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग तो आपके साथ में बच्चे हैं, हम लोग हैं तो हमारे साथ में टीचर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो संगी साथी मित्र और बंधु. मित्र जो अपने दोस्त हो गए, बंधु भाई बहन कजन, सब उसके वरदान है, सब उसी परम पिता के अपन सब वरदान है. ठीक है. अन्न फल और फूल रंगीले. अन्न जो गेहूं चावल बाजरा, फल फ्रूट्स एप्पल मैंगो सेब जो अपन सब खाते हैं, कलरफुल जो फ्लावर है, गुलाब का फूल हो गया गुलाबी कलर का, ये जो फूल है हरे कलर की पत्तियाँ हो गई, उसी का अनुपम दान है, उसी का ये अनमोल भगवान का दान है, उन्होंने अपने को ये दान में दिया है. क्या यह नहीं कर्तव्य हमारा, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है? इसमें आपको जो प्रार्थना के माध्यम से आपको ये प्रार्थना करनी है दूसरों के लिए कि क्या हमारा भी कुछ कर्तव्य नहीं बनता है? सारा क्या भगवान का, अपने मम्मी पापा इनका ही कर्तव्य बनता है? अपना भी एक कर्तव्य बनता है कि उसको शीश नवाए हम, कि उसको हाथ जोड़ के शीश झुकाएं और उससे हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, जैसा आपने हमको दिया वैसा हम भी दूसरों को दे सके, इसी तरह कुछ देकर दूजों को, जो भगवान हमको दे रहा है वैसे ही अपन भी किसी को खुशी दे सकते हैं. किसी को बुलाना नहीं है, खुश रखना है. कुछ तो कर चुकाए हम, तो इसमें आपको हाथ जोड़ के यह एक प्रण लेना है कि हे भगवान, हम भी आपके चरणों में शीश झुका रहे हैं, और जैसे आप हम लोगों को दे रहे हैं, हमारे अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, हमको एनर्जी दे रहे हो, इतनी अच्छी बॉडी दी है, बुद्धि दी है, कल्पना दी है, फूल दिया है, फल दिए हैं, आपने जो हमको इतने सारे अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं, वैसे ही हम भी दूसरों को हमेशा हैप्पी रख सके. ठीक है. तो ये तो आपका हो गया, ये आपको चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5, ये आपको लर्न करना है. ठीक है. और आपको HW में जो इसके पीछे के जो हार्ड वर्ड है, कठिन शब्द, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 के जो हार्ड वर्ड है, ये आपको कॉपी में
नोट डाउन करना है। गुड बाय बच्चों।